अशफाक सबुन यो दि सड़क बलित एहसान करो लूकन पे करी मैं झूठ ना हो जाए 50 चक्कर सेक्रेटरी तक लगे होंगे, चीफ इंजीनियर ऑफिस, एससी ऑफिस और फिर कहां कहां जाना। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना है, अपनी सफ़ों में प्यार और मोहब्बत रखना है। मुझे रहमतुल्ला साहब से मैं गुजारिश करूंगा, मंडी के सरपंच वो भी खड़े हो जाएं ताकि फरमाएगा। मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन सब लोगों का जिन्होंने हमारी ऑलरेडी चल रही है जिसको ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है। सड़क में भी इशफाक साहब का, मास साहब का, इनके घर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बाद आप उससे आगे चले जाएं। यकावती जान साहिबा, ठेकेदार अजीज साहब, वो इस रोड की थी, वो सरपंच बाइला ख्वाजा अब्दुल रजाक ने कैसे वो सेंक्शन करवाई वो इनको पता है। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी को नहीं बोलूंगा, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मंडी पंचायत की जानिब से और बाइला पंचायत की जानिब से, जिनकी बदौलत ये रोड हमें मिली है। उसके साथ साथ यहां पे डीडीसी मेंबर अतीका जान साहिबा है। मैंने इलेक्शन में कहा था, डीडीसी जब यहां पे इलेक्शन हुआ था डीडीसी मेंबर का, मैंने कहा था अरसा 30 साल से हम सुप्रीम कोर्ट के साथ लगे थे लेकिन हमारा एक भी काम नहीं होता। एक साल हो गया है मंडी बाइला त्रिछल मरोड राजपुरा को जब से हम हवेली के साथ लगे हैं। आप देखो, मैं बाइला की बात करूंगा, जितने काम बाइला में डीडीसी के थ्रू हुए हैं मैं गुजारिश करूंगा ख्वाजा अब्दुल रजाक साहिब से। अक्सर ये कहा करते हैं कि ये जब टीचर तैनात हुए तो मेरे वालिद मरहूम अब्दुल्ला जामी साहब के दौर में तैनात हुए हैं, तो मैं इनका खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं कि आज वो वक़्त आया और हमने आंखों से देखा, वो वक़्त आया कि हमने देखा कि आपने वो सिला जो है यहां बाइला की आवाम को चुकाया है। आप हसी थे डीडीसी मेंबर बने ना किसी गांव किसी इलाके में, जब इनका इलेक्शन था कंपेनिंग के लिए घर से कभी नहीं निकले, इनके हाथ में क्या होती थी, छोटी सी तस्वीर होती थी, कहते थे कि ये खुद ही साईं इलाही बख्श साहब इनको इनकी रूह जो है मेरी तरफ से मेरी तरफ मोड़ देगा। तो अक्सर हमने देखा कहीं कंपेनिंग के लिए नहीं गए तो आखिर जिसको रिजल्ट निकला तो इनके हक में था, बल्कि इनके हक में नहीं था बल्कि हमारे हक में था। तो मैंने हमारी डीडीसी चेयरपर्सन अतीका आंटी को जाता है, जिसमें सबसे बड़ा कॉपरेशन उनका रहा है, क्योंकि इस ब्लॉक मंडी में बहुत सारे इलाके हैं कि जहाँ पे 100% जो उनके अपने लोग हैं उनकी तरफ से उनको इग्नोर करके हमें प्रायोरिटी लिस्ट में पहला नंबर हमें अपने मतलब इन्होंने प्रायोरिटी दिया और रोड का हमें इसे रोड से नवाजा हुआ है और इसमें इन्होंने काफ़ी मुखालफत भी अपने साथ ली है। तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी स्कीम जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है उसमें खाली कोई ऊपर एक सरकार का नहीं होता है कि कोई सरकार अगर दे रही है, हमें सेंटर कोई दे रही है तो उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो हमारे सारे मतलब पूरा एक चेन बनता है जिसमें एनसी वाले भी कॉपरेट करते हैं, बीजेपी वाले भी करते हैं और कांग्रेस वाले भी करते हैं। सबसे बड़ी बात हमारी खुशनसीबी है कि मेरा बड़े भाई जो हमारे रजाक साहब हैं जिन्होंने इस रोड को लेके या इस पंचायत को लेके गालियां भी खाई होंगी, आपने जेब खाली किए होंगे, कर्जा भी उठाया होगा, लेकिन किसी चीज में पीछे नहीं रहे होंगे। जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट को भी जो डिपार्टमेंट इधर कभी किसी ने ख्याल भी नहीं किया होगा उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया, चाहे उसमें हरियाली हो, उसमें IAY की स्कीमें हो, जबकि IAY में जब उनकी एफिलेशन कांग्रेस अपने क्या सारी उनकी जो एफिलेशन है वो अपने NC के साथ है, लेकिन जब उनके IAY के मकान आए तो उसमें उन्होंने खाली को NC वालों को नहीं दी, उन्होंने PMAY स्कीम में जो उन्होंने सबको मतलब बराबर का हक दिया और जो भी कोई रह गया हो उसको लास्ट तक उन्होंने फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप हमारे साथ ये नेकी करोगे ये बहुत बड़ा एहसान अजीम है आप। तो इसके साथ साथ मैंने तो पहले इशफाक साहब का शुक्रिया किया क्योंकि इनका ना मकान जबड़ी में, ना सुरमा में, ना गुजरबस्ती में और ना कहीं और, इन्होंने अपने बुजुर्गों के आसार स्वाद के लिए दे दी। रात को मैंने इनसे कमिटमेंट ली कि आप को मेरी तरफ से दावत होगी, आप मेरे घर आराम में चलोगे एक दिन, वहाँ से आप मीर तशरीफ फरमा है। अक्सर हमारे गांव की बात हर जगह रखते हैं लेकिन आज खुद तशरीफ लाए हैं, लोगों के रूप के बनते हैं। मेरा ईमान कहता है कि अगर बाकी वार्ड्स में त्रिचल में हमने रोड दी, मरलोट में हमें शुरू में ही थोड़ा सा पंगा पड़ गया, हम रोड हमारी लेट हो गई, लेकिन इंशाल्लाह त्रिचल से मरलोट और मरलोट से दुनिया में जाकर रोड मिलेगी, ये मैडम का वादा है और प्लान में चली भी गई है, इंशाल्लाह अच्छे प्लान में गई है और सेंक्शन आएगी और उसका हम कुछ वो एस्टिमेट वगैरह बना रहे हैं, मरलोट को भी रोड मिलेगी। इधर से मुबशर साहब को मुबारक दूंगा कि इन्होंने ये दुनिया वाली रोड जो है इसकी ये कोशिश कर रहे हैं। इनको मैंने कहा जहाँ तक आपकी बाउंड्री है वहाँ तक आप लाओ, उधर से मोड़ के मैं दूंगा बाड़ा से लेकर आपको मैं सीधा जो है इसको क्या बोलते हैं मरलोट से वह दुनिया में हम हाथ मिलाएंगे। आप नफरत के हक में हुई नहीं मैं कभी, ना मंडी का सरपंच है, ये मंडी का सरपंच ये इसको आप फोन करो इतना सा जनावली को काम बताओ, बड़े से बड़ा काम बताओ, ये उसी वक्त दौड़ पड़ता है चाहे ट्रोजर में हो कहीं भी हो। और एक चीज बताऊं कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, यही प्रोजेक्ट अगर इसमें हाजी अजीज साहब ना होते, ठेकेदार साहब ना होते, यहाँ बाकी बशीर साहब ना होते, रशीद साहब ना होते, साहिल मीर साहब अगर मुझे इसमें गाइड ना करते, कहाँ कहाँ किस किस जगह जाना पड़ा, आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा सेक्रेटरीट कहाँ है बिल्डिंग।